डिंडौरी जिले के कई गांवों में सड़क न होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। ताजा मामला डोकरघाट ग्राम पंचायत का है, जहां गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला का प्रसव हो गया। चंद्रयान चांद तक पहुंच गया, पर डोकरघाट ग्राम पंचायत के वन ग्राम खुदरी तक सड़क नहीं पहुंच पाई। आलम यह है कि सही समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से गर्भवती महिलाओं का प्रसव घर में ही हो जाता है। रविवार को गांव की ही एक महिला को प्रसव की पीड़ा हुई और प्रसव घर में ही हो गया। फिर जरूरत थी महिला को अस्पताल ले जाने की, पर एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी। महिला को ट्रैक्टर से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और फिर अस्पताल। बीते शुक्रवार को भी वनग्राम की ही एक महिला का अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रसव हो गया था। यह घटना बता रही है कि बड़े बड़े दावे करने वाली शिवराज सरकार के राज में प्रदेश के क्या हाल हैं? खराब रोड है और बहुत ही ज्यादा घाट है, मेन रोड की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ से फिर गांव वालों ने उन्हें ट्रैक्टर में, तो कहते हैं जो गर्भवती महिला थी, उन्हें ट्रैक्टर में मतलब बिठा के बड़ी मुश्किल से और घाट के ऊपर तक लाया। इसके बाद मैंने एम्बुलेंस में उन्हें लेटाया बिठाया और थोड़ी दूर चलने के बाद महिला का प्रसव हो गया। इसके बाद वहाँ से मैंने धीरे धीरे गाड़ी CSC मेहमानी स्वास्थ्य केंद्र में ला के उन्हें भर्ती कराया। ये इलाका केंद्र सरकार में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के लोकसभा क्षेत्र में आता है और विधायक हैं भूपेंद्र मरावी। ग्रामीण वासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि गांव में एक बार ही आते हैं, सिर्फ तब जब उन्हें वोट की जरूरत होती है। जब जनप्रतिनिधियों से समस्या बताई जाती है तो वे गोलमोल जवाब दे देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही दावा करें कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर है, पर डिंडोरी जिले की घटना बता रही है कि मध्य प्रदेश के कई गांव में तो अब तक सड़क ही नहीं है। डोकरघाट ग्राम पंचायत है खुदरी गांव, तो वहां पे कार्यकर्ताओं ने बताया, मैं भी जाने वाला था उस गांव में, पर वहां पे बोले भैया कि कभी कोई बीमार हो जाए, कुछ ऐसी हो जाए, वहां पे सड़क की बहुत ख़राब कंडीशन है, बहुत दिक्कत थी। तो मैंने उनको बोला कि भैया ठीक है, हम लोगों की नॉलेज हम लोग प्रयास करेंगे और जब हम लोगों की गवर्नमेंट आएगी तो प्रयास करेंगे कि वहाँ पे रोड बने, क्योंकि मैंने खुद ही संज्ञान में लिया है वहाँ पे कुछ दिन पहले जाके डोकरघाट का खुदरी गांव में। तो वहाँ के सारे लोगों को भैया वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, कोई बीमार दुख हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मेरे संज्ञान में है। मेरे गांव तक पक्की रोड ना रहने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, इसके कारण एक महिला को कल जो है तो ट्रैक्टर में पहुँचा रही थी तो रास्ते में झचकी हो गई। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।